वडोदरा शहर में तेज रफ्तार पकड़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 127 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 9793 पर पहुंचा है। तो वहीं आज भी दो दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का दर्ज हुआ था। वडोदरा शहर में तेज रफ्तार पकड़ रहे और चरम सीमा से भी आगे बढ़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 127 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर अब वडोदरा शहर के लिए कोरोना पॉजिटिव दर्दियों का आंक 9793 पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 3343 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, तो वही आज भी दो दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का दर्ज हुआ है। अभी तक कुल मिलाकर 163 जितने लोगों की कोरोना संक्रमण में मौत हो चुकी है। आज 106 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 8267 जितने लोगों को अस्पताल से कोरोना मुक्त करते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से अकोटा, माणेजा, मांजलपुर, कारेलीबाग, वागोड़िया रोड, हरनी रोड, दिवाली निजामपुरा, समा, वासना रोड, प्रतापनगर, वर्सर, आजवा रोड, तांदलजा, सुभानपुरा, गोरवा, कलाली रोड, फतेहगंज, गोत्री आदि विस्तारों से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। जबकि वडोदरा के ग्रामीण डबोई, करजन, पिपलोद, गोरज, दशरथ, बिल, उंडेरा, सावली, समियाला, डेसर, वागोड़िया, बाजवा, भाईली से भी कोरोना पॉजिटिव केस वडोदरा शहर में दर्ज होने का पता चला है।